अस्सलाम वालेकुम। तो रियल मी ने लॉन्च कर दी है द रियल मी C67 4G स्मार्टफोन को, और ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आता है। रियर साइड पर एक वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप, फ्लैश लाइट मिल जाता है, और एक गोल्डन रिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, और ये जो बैक साइड है काफ़ी खूबसूरत किस्म के डिज़ाइन के साथ आता है। आलतू की जो बैक साइड है वो प्लास्टर का है, बट ये जो प्लास्टर का ये ग्लॉसी शाइनी किस्म के डिज़ाइन के साथ आता है, और ये दो कलर्स में अनवील हो चुका है, एक ग्रीन कलर है और एक ब्लैक कलर है, और दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आते हैं। स्मार्टफोन के बॉटम साइड पर रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है, और ये स्मार्टफोन एक बॉक्सी फ्लेयर फ्रेम के साथ आता है। ये फ्रेम प्लास्टर का दिया गया जो कि 7.6 mm थिक है, और 185 ग्राम स्मार्टफोन का वेट है। साइड फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के साथ ये स्मार्टफोन आता है, और अच्छी बात कि ये स्मार्टफोन IP54 की रेटिंग के साथ, तो मैं इस बात को अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा। डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस है, यानी पानी और छींटे या मिट्टी वगैरह से ये स्मार्टफोन महफूज रहेगा। रियलमी C67 स्मार्ट में दिया गया 6.72 इंच का एक फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले, जो कि 90Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है, और ये स्मार्टफोन 88% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है। काफ़ी बड़े साइज का डिस्प्ले दिया गया है, बट अच्छी बात है कि फुल रेजोल्यूशन है, 90Hz रिफ्रेश रेट है और 5 वोल्ट कैमरा है, तो इस बात पर मैं अप्रिशिएट करूंगा। बट आई थिंक अब रियलमी को एमोलेड डिस्प्ले की तरफ जाना चाहिए। रियलमी के इंतहाई ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं C सीरीज़ में, लेकिन कोई भी स्मार्टफोन एमोलेड डिस्प्ले के साथ नहीं आए हैं, और अब आई थिंक एमोलेड पर शिफ्ट होने की ज़रूरत है। रियलमी C67 स्मार्ट में दिया गया स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर, जो कि 6 NM पर बेस्ड है, और एड्रीनो 610 का GPU दिया गया। स्मार्टफोन 8128 और 8256 GB वाले वेरिएंट में अनवील हो चुका है। UFS 2.2 का स्टोर टाइप दिया गया है, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ रियलमी का वर्जन देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ है, तो ये काबिल सताइश बात है। स्मार्टफोन की प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन अभी इंडोनेशियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और वहाँ पर स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 8128 GB वाले वेरिएंट की जो कन्वर्जन प्राइस है वो करीब 48,000 रुपये बनती है, और जो 8256 GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस तकरीबन 53,000 रुपये बनती है। बट पाकिस्तान में जब आएगा तो शायद 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आ सकते हैं, बट आई थिंक अंडर 50K में ये वर्थ नहीं है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हाई है। हमें 40,000 में एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं और G99 प्रोसेसर मिलते हैं। रही बात लाइन डेट की, तो अगर रियल में एग्रेसिव हो जाते हैं तो ये स्मार्टफोन शायद आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है, फिर फेब के महीने में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। रियलमी C67 स्मार्टफोन के रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है, जो मेन कैमरा है वो 108 MP का दिया गया F1.8 अपर्चर के साथ विद ऑटो फोकस, और दूसरा डेप्थ सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट पर सेंटर पंच होल कैमरा में एक बार फिर से वही टिपिकल 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब जो सेल्फी कैमरा है ये भी रियलमी का कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आई है, 5 MP या 8 MP इससे कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, तो इस चीज़ पे भी काबू पाना चाहिए। बाकी स्मार्टफोन फुल HD+ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा से भी, रियर कैमरा से भी, 30 FPS भी। अब जो मेन कैमरा है वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का है, तो पिक्चर की डिटेल तो काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन वीडियोग्राफी से उम्मीद ना रखिए, क्योंकि एक तो प्रोसेसर इतना मज़ेदार नहीं, और ऊपर से ये मिड रेंज स्मार्टफोन है, तो सेंसर भी आपको उतना शाह निशान देखने को नहीं मिलता, तो वीडियोग्राफी में ये काफ़ी स्ट्रगल करने वाला है। और सेल्फी कैमरा से तो कोई भी किसी भी कैटेगरी में, ना फोटोग्राफ में भी ना वीडियोग्राफ में मेरे उम्मीदें हैं। रियलमी C67 स्मार्ट में 5 mAh की बैटरी दी गई है, 33 वाट की फास्ट चार्ज, Type-C पोर्ट, 3.5 mAh का, और ये स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रियलमी C67 स्मार्टफोन ओवरऑल काफ़ी डिसेंट स्पेस के साथ आता है। आलू की कुछ खामियां ज़रूर है, जिसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी आप मुझे बताइए कि ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।